स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 10 देखते हैं। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पूछा गया है। स्मॉल डी मतलब स्लिट के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, आपको लैम्डा भी यहाँ पर दिया हुआ है, और कैपिटल डी मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस भी दिया है 100 सेंटीमीटर, है ना। देखो काफ़ी ज़्यादा होता है इसका ये डिस्टेंस। फिर कहता है एंगुलर विथ ऑफ द फ्रिंजेस इतने डिग्री बन रहे हैं, और कहता है इसको बढ़ा के अपन को 0.21 करना है। देखो 0.20 से 0.21 करना है, और ये दो चीज़ें कांस्टेंट रहने दो, तो कितने पे चेंज कर देना होगा आके। एक डायग्राम समझ लेते हैं अपन। लेट से आपके पास ये एक सोर्स हो जाता है, बच्चों S1 कर लो, यहाँ पे S2 कर लो, टू कोहेरेंट सोर्सेस। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, ठीक है, और ये पहला ब्राइट वापस से बनेगा, ठीक है। दो डिस्टेंस को अपन लोग बीटा बुलाते हैं, और फॉर्मूला होता है इसका लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। हालांकि ये तो फ्रिंज का विड्थ होता है बच्चों, है ना, और अपने को क्वेश्चन पूछा गया है एंगुलर के फॉर्म में, तो कंसीडर दिस एज एंगुलर, कितने एंगल के फॉर्म में ही जा रहा है इस तरह से। तो ये जो थीटा होगा ना बच्चों, वो हो जाता है फॉर्मूला वाइज बीटा डिवाइड बाय यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, जो कि डी होती है, और अल्टीमेटली तुम लोगों को आंसर आ रहा है लैम्डा डिवाइड बाय डी। अगर ये पता था डायरेक्ट तो इसको सीधा अपन इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। थीटा फर्स्ट टाइम कितना लिखा है, 0.20 डिग्री, ठीक है, और ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाय डी की जगह पे जो प्रीवियस वाला है अपना, वो है बच्चों 2 mm, ठीक है। और बाद में बोलता है इतना कर लो, तो ये हो जाएगा 0.21 डिग्री, ठीक है। ज़रूरत नहीं है रेडियन में ले जाने की, आगे चल के कैंसिल होना ही है इनको। ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाय जो नया आपका वैल्यू चाहिए। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, पेपर में डायरेक्ट यहाँ से चालू करना है। मैं इनका रेशियो रख देता हूँ, तो ये हो रहा है कैंसिलेशन में, ठीक है। फिर यहाँ मिल रहा है बच्चों 0.20 डिवाइड बाय 0.21 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डी डैश डिवाइड बाय 2 mm। आप देख सकते हो 0.40 को अगर मैंने इससे डिवाइड किया तो ये वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं 1.9 के आसपास आएगी, और क्योंकि mm में चल रहा है स्केल, तो ये हो जाएगा mm, और यही आपकी नई वाली वैल्यू होगी छोटे डी की, ठीक है, विच इज़ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पेपर में आपको यहाँ से सॉल्व करना है बच्चों, दोनों का रेशियो लिया और आंसर देख रहे हैं अपन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।